हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है इसराइल वीज़ा टाइप्स एंड उनकी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो वीज़ा जो टाइप्स मैं बताऊँगा सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बस इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है इनकी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, और जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी यूरो में। तो सबसे पहले इनका जो वीज़ा है वो है B3 वीज़ा, इसकी जो कॉस्ट है वो है 21 यूरो। ग्रुप वीज़ा 21 यूरो। ग्रुप वीज़ा पर पर्सन इसकी कॉस्ट है 6 यूरो। A3 क्लर्जी वीज़ा जो कि क्लरिकल वालों के लिए होता है, इसकी कॉस्ट है 41 यूरो। A4 टेम्प्ररी वीज़ा, इसकी कॉस्ट है 41 यूरो। B2 विजिटर वीज़ा 21 यूरो, इसकी कॉस्ट है। A5 टेम्प्ररी रेजिडेंस वीज़ा, इसकी कॉस्ट है 41 यूरो। B2 विजिटर वीज़ा, इसकी मैं बता चुका हूँ 21 यूरो। सेपरेट फॉर्म B2 वीज़ा, इसकी कॉस्ट है 21 यूरो। रिटर्न वीज़ा 21 यूरो। B4 वॉलंटियर वीज़ा 21 यूरो। B1 वर्क वीज़ा 41 यूरो। परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा 167 यूरो। परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर पर्सन 20 यूरो। A2 स्टूडेंट वीज़ा 41 यूरो। B5 परमिटेड टू वर्क फॉरेन इन्वेस्टर रूल्स 180 यूरो। B51 परमिटेड टू वर्क फॉरेन इन्वेस्टर रूल्स एम्प्लॉई 180 यूरो। B52 परमिटेड टू वर्क अनरेस्ट्रिक्टेडली 180 यूरो। B53 फॉरेन इन्वेस्टर रूल्स चाइल्ड 180 यूरो। ये थी इन वीज़ा की कॉस्ट। अब अगर इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो ये डिपेंड करेगा आपके वीज़ा टाइप पे। जनरली इसमें जो टाइम लगता है वो है 12 से लेकर 14 वीक्स, यानी कि 12 से लेकर 14 हफ्ते आपको इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।